नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर है ग्वालियर से, जहां घर के बाहर लड़ रहे दो दुश्मनों के बीच में बोलना एक युवक को भारी पड़ गया। आपस का झगड़ा छोड़ दोनों बदमाश उसके पीछे पिस्टल लेकर दौड़ पड़े। युवक ने जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने दो गोली चला दी। एक गोली युवक के पैर में लगी। 2 साल पहले भी युवक पर इन लोगों ने हमला किया था। घटना मंगलवार रात लेदर फैक्ट्री सीपी कॉलोनी मुरार की है। घायल को पुलिस ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस ने 2 हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उपनगर मुरार के लेदर फैक्ट्री के पास निवासी 21 वर्ष आयुष उर्फ सोनू शर्मा मंगलवार रात अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी पास ही रहने वाले देवेंद्र उर्फ लल्ला जाटव, महेश जाटव आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। यह देखकर सोनू ने उनको समझाने का प्रयास किया, साथ ही कहा कि उनके घर के सामने गाली गलौज ना करें। इस पर दोनों बदमाश अपना झगड़ा छोड़कर सोनू पर टूट पड़े। यह देखकर सोनू ने घर में घुसते ही दौड़ लगा दी। तभी महेश ने पिस्टल निकाली और उसके पीछे भागा। इसी बीच देवेंद्र ने शोर मचाकर कहा, महेश मार दे इसे गोली, आज नहीं बचना चाहिए। इस पर महेश ने एक के बाद एक दो फायर किए। एक गोली उसके जांघ में जाकर लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। घटना के बाद परिजन व दोस्त ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके ट्रामा के आईसीयू में रखा गया है। 2 साल पहले भी हो चुका है हमला। सोनू शर्मा, क्या हुआ था? उन्होंने गोली मार दी। 2 साल पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। पुरानी रंजिश की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर मेरे में दोबारा गोली मार दी। कौन लोग हैं, क्या नाम है? ये देवेंद्र जाटव, महेश जाटव और राहुल जाटव और उनके पिता सुरेश जाटव। क्या विवाद क्या था? कुछ नहीं, वो मेरे घर पे आके गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने उनको रोका तो उन्होंने मेरे में गोली मार दी। कितने बार किए? वो एक के पास कट्टा था, एक के पास पिस्टल थी, एक बगल से निकली, एक मेरे पैर में पड़ी। थाना मुरार क्षेत्र में एक सोनू शर्मा नाम के युवक को पैर में गोली लगी है। युवक का कहना है कि वो लेदर फैक्ट्री मुरार के आसपास रहता है। वहीं पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से उसका पुराना 2 साल पुरानी रंजिश है। उसी रंजिश को लेकर आज फिर विवाद हुआ और उसी में 2-3 लोगों ने उसके ऊपर फायर किया और उस जानलेवा हमले में उसके बाहिनी पैर पर एक गोली लगी है। पुलिस का इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन कौन लोग उस घटना में शामिल थे। अभी फिलहाल जो घायल व्यक्ति है उसको GH अस्पताल में भर्ती। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।